जब बनाना का है कुछ बनाना, तब इसे एक बार जरूर बनाना। तो हमें करना क्या है ना कि एक बनाना के साथ आधा कप चीनी डालकर हम इसे मिक्सी में घुमा लेंगे। देखो लम्स इसमें बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। फिर मैंने इसमें डाल दिया है आधा कप दूध और आधा कप मैदा। हमें चीनी, दूध और मैदा सेम क्वांटिटी में लेना है। फिर इसे अच्छी तरह से मिक्स करके आधा छोटा चम्मच बेकिंग सोडा और आधा छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर। लोग अक्सर बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन दोनों ही अलग अलग चीज है। फिर इसे मिक्स करने के बाद मैंने एक पैन में डाल दिया है थोड़ा सा तेल और उसे भी मैंने फैला लिया है। तेल को मैंने बस इसलिए डाला है ताकि ये जो बैटर है ना, ये पैन में चिपके नहीं। फिर हमें इसे ढक के तब तक पका लेना है जब तक इसमें छोटे छोटे होल ना आ जाए। जैसे ये इस तरह से हो जाए, मतलब ये है कि ये नीचे से अच्छी तरह से पक चुका है, तो अब हम इसे पलट लेंगे और इसे दूसरे साइड से भी पकाकर हम इस पे हनी या फिर चॉकलेट सिरप डाल देंगे।